बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन व परिवर्तन के लिए आंदोलन के उसकी कुछ प्रतिक्रिया भारत में कुछ जगहों पर महसूस की जा रही है। ये नहीं सोचा था कि बांग्लादेश में जो हुआ उसका परिणाम महाराष्ट्र में दिखाई देगा, ऐसा लगा नहीं था। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, ऐसा शरद पवार द्वारा कहा गया है। नागपुर में आयोजित सार्थक फाउंडेशन के कार्यक्रम में शरद पवार ने हाजिरी लगाई थी, वहां भी बोल रहे थे। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर जो कुछ हुआ है राज्य व समाज के हित में नहीं है, आज शांति की जरूरत है। इसके लिए सामाजिक कार्य को राजनीति में संयम की वकालत करनी चाहिए, इस बारे में सावधान रहे। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसके परिणाम स्वरूप होने वाली घटनाओं के कुछ कारण थे। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे देशों में जो हुआ उससे जीवन अस्त व्यस्त हो जाए या फिर संकट में पड़ जाए, ऐसा भी पवार द्वारा कहा गया। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। आपके शहर में आया है शॉपिंग का जैकपॉट, नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कंज्यूमर एक्सपो 2024। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे, भव्य प्रदर्शनी व बिक्री। 27 जुलाई 2024 से शुरू, सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। हमारा पता हनुमान मंदिर ग्राउंड, रामनगर चौक, राम मंदिर के बाजू में रामनगर। यहाँ आपको मिलेगा कश्मीरी साड़ी, कलकत्ता साड़ी से लेकर खादी शर्ट, कॉटन शर्ट, खादी कुर्ता, केकड़ा बेडशीट, जयपुरी बेडशीट के सभी रेंज, साथ ही फैंसी ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी, राजस्थानी एंटीक ज्वेलरी, फिरोजाबाद बैंगल, लोअर गाउन, पायदान, कारपेट, वेस्टर्न टॉप, टेरा कोटा पॉट, बाम्बू वर्क, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पटियाला जूती, राजस्थानी जूती, बॉम्बे सेंटर, राजस्थानी बैग, पश्मीना शॉल, कश्मीरी कुर्ती, कलमकारी, मुखवास एवं चूरन, पापड़, कॉस्मेटिक, होम अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, आज ही इस एक्सपो को भेज दीजिए।